दोस्तों, आपका अपना चैनल आपका स्वागत करता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, जिस जगह के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वह शांत वातावरण, झरनों, प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है। वह भारत के ठंडे इलाकों में भी गिना जाता है। वह भारत का सबसे साफ सुथरा राज्य भी है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सिक्किम राज्य की। दोस्तों, सिक्किम राज्य भारत और चाइना के बीच शुरू से ही विवादित रहा है। सिक्किम राज्य पहले एक अलग देश हुआ करता था। सन 1974 में वहां वोटिंग कराए जाने पर 97% सिक्किम लोगों ने भारत के पक्ष में वोट डाले, जिसके बाद सिक्किम भारत का हिस्सा बना। दोस्तों, सिक्किम इतना खूबसूरत जगह है कि इसे धरती का पैराडाइज भी माना गया है। यहाँ लोग अपने दोस्तों फैमिली के साथ घूमने आते हैं। सिक्किम घूमने के लिए एक सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ साल भर लोग आना जाना लगा रहता है। यहाँ के बर्फ के ढके पहाड़ी, यहाँ की झीलें आपका मन मोह कर देती हैं। बौद्ध धर्म के लिए यह राज्य भी बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, सिक्किम को धरती का पैराडाइज भी माना गया है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है, जो सिक्किम का सबसे बड़ा शहर भी है। सिक्किम की जनसंख्या 6,90,000 है। यहाँ हिंदू 58%, बुद्धिस्ट 27%, क्रिश्चियनिटी 9.9% और अन्य 2% पाए जाते हैं। यहाँ सेक्स रेशियो के मामले में भी काफ़ी ठीक है। यहाँ 50% मेल की पॉपुलेशन है, 50% फीमेल्स की पॉपुलेशन है। यह राज्य शिक्षित के मामले में भी बहुत अच्छा है। यहाँ की लिटरेसी रेट 90% है। सिक्किम की सीमाएं पश्चिम बंगाल से मिलती है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भूटान, नेपाल, चाइना से भी मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह राज्य इतना छोटा होने के बावजूद भी यहाँ 11 अन्य भाषाएं बोली जाती हैं। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, जो एक बुद्धिस्ट प्लेस भी है, यहाँ अनेक मोनेस्ट्री पाई जाती हैं। साथ ही यह शहर सिक्किम का सबसे बड़ा, स्वच्छ और सुंदर शहर भी है, जो वादियों में बसा हुआ है। अगर आप एडवेंचरस एक्टिविटी के बहुत बड़े शौकीन हो तो आपके लिए यह राज्य परफेक्ट है। यहाँ ट्रैकिंग, बोटिंग और पैराग्लाइडिंग आदि होते हैं। यहाँ के कुछ फेमस जगहें वैली ऑफ फ्लावर, स्मिति लेक, सुमांगो लेक, नथुला पास, गैंगटोक, हिमालयन वैली और भी आदि। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी इसी राज्य में है, जिसका नाम कंचनजंगा है, जो माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद तीसरे नंबर पर आती है। यह राज्य भारत के उन राज्यों में गिना जाता है जहां आपको बर्फ देखने के लिए मिलती है। यह राज्य आपके लिए ऐश और आराम की ज़िंदगी के लिए बहुत बढ़िया राज्य है। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां नेपाली मूल के लोग अधिकतर आकर बसे हुए हैं। सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है जहां मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद की देखभाल के लिए एक अलग से ही मंत्रालय करती है। यहाँ रेड पांडा बहुत ही फेमस है, जो यहाँ का नेशनल एनिमल भी है। सिक्किम की अर्थव्यवस्था पर्यटन के साथ साथ खेती बाड़ी पर भी निर्भर है। यह राज्य इलायची सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पाद करता है। दोस्तों, सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ के लिए कोई डायरेक्ट बस या कोई ट्रेन नहीं चलती। आप अगर सिक्किम घूमना चाहते हो तो बाय प्लेन जा सकते हो और साथ ही टैक्सी से भी जा सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। क्या आप कभी सिक्किम जाना पसंद करोगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।